श्रोमणी अकाली दल बादल दे साबका वाइस प्रधान पार्टी दे सलाहकार अकाली पत्रकार दे साबका मैनेजिंग डायरेक्टर अते गुरु नानक खालसा कॉलेज कमेटी दे अहुदेदार जथेदार सुच्चा सिंह जौहल दा अचानक देहांत हो गया। जिक्रयोग है कि जथेदार सुच्चा सिंह जौहल कुछ समय तो बीमार चल रहे सन। उन्हां दा अंतिम संस्कार पिंड जौहल नज़दीक गुराएं दे शमशान घर विखे पूरे रीति रिवाजा अनुसार किया गया। इस मौके साबका विधायक नकोदर गुरप्रताप सिंह बडाला अते अकाली दल दे जिला प्रधान अते साबका विधायक बलदेव सिंह खैरा ने कहा कि जथेदार सुच्चा सिंह जौहल ने सारी उम्र लोगों की ही सेवा करन दे नाल नाल पंथ ते पार्टी की भी सेवा की है। उन्हां दे चले जाण नाल जिथे परिवार नूं उन्हां दी घाट रहेगी उत्थे ही पार्टी के इलाके नूं भी उन्हां दी कमी महसूस होगी। स्वर्गीय जथेदार सुच्चा सिंह जौहल की अंतिम अरदास 11 फरवरी नूं उन्हां दे पिंड जौहला विखे होगी। दुख का समाचार है कि सिख पंथ के बड़े महान टकसाली आगू जथेदार सुच्चा सिंह जी जौहल साहब कल राती अकाल चलाना कर गए। गुरु चरणा में जा बराजे ने ते अज उन्हां दा अंतम संस्कार इक शमशान घाट विखे होया है। जौहल साहब का चले जाने दे नाल बहुत वड्डा घाटा पिया सिख पंथ नूं, पंजाब नूं, समाज नूं ते सारे इलाके नूं। जौहल साहब की बड़ी लंबी सेवा, सारी उम्र उन्होंने लोगों खातर अपने आप नूं समर्पित किया, बहुत तगड़े होकर जूझे, संघर्ष किया ते सदा ही उन्होंने समाज की सेवा, सिख पंथ की सेवा तगड़े होकर की। बड़ा आसरा सी जौहल साहब का, परिवार को तो होंदा ही है, इलाके को बड़ा आसरा सी। सो सानू सारिआं नूं बहुत वड्डा घाटा पिया, जिथे परिवार को घाटा पिया उत्थे नाल सिख पंथ नूं ते श्रोमणी अकाली दल नूं ना पूरा होने वाला घाटा कह सकते हैं। करके ये जिहड़े बजुर्ग इन्हां दी पीढ़ी दे नाल दे बजुर्ग बहुत थोड़े ने, हुण इन्हां दी बहुत लंबी जदोजहद, बड़ा लंबा संघर्ष, बड़ी घोल कमाई आ जिहड़ी साडे सारिआं वास्ते चानण मनारा रहेगी। बहुत ही सत्कारयोग बापू सुच्चा सिंह जौहल जी जिहड़े रात अकाल चलाण कर गए सी, अज उन्हां दी जौहल पिंड दे शमशान घाट विखे जिहड़ा अंतिम जिहड़ा संस्कार होया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बड़ा ही साफ सुथरा अक्श ते जो कहना वो करना वो दे विच विश्वास रखते सी। मैं समझदा भी पूरी जिंदगी समाज लई, कौम लई, लोकां वास्ते जिहड़ी लाउणी वह बहुत घट लोकां दे हिस्से आउंदी है। तो गुरु महाराज के चरणों च यही अरदास बेनती करते हैं कि मालक उन्होंने अपने चरणों के निवास बख्शन, परिवार को भाणा मन्नण का बल बख्शन ते सारी संगत नूं ये बेनती है भी उन्हां दी जिहड़ी अंतिम अरदास है वो जौहल पिंड विखे 11 फरवरी नूं शनिवार वाले दिन पिंड ही होवेगी। सारी संगत नूं बेनती है भी उदन उन्हां दे शरधा दे फुल भेंट करन वास्ते समुची संगत जौहल पिंड पहुँचे। सारियां आईयां हुई संगतां दा दिल दीआं गहराइयां विचों बहुत बहुत धन्नवाद।